भारत की सांस्कृतिक परखी सर्वोच्च सत्ता परम आदरणीय जगत गुरु कांची काम कोटि पीठाधीश्वर आदरणीय श्री शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, पूरे विश्व में श्री रामचरितमानस के माध्यम से नौजवानों के हृदय में नई चेतना का जलाने भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर पूज्य संत श्री मणि बापू जी मंच पर विराजमान, शाही इमाम साहब, काबिले एहतराम सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले मेरे सभी आचार्यगण, आदरणीय न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी, गंगा जी के लिए जिन्होंने हर पल अपनी सेवाएं प्रदान की, ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री अरुण गुप्ता जी, आदरणीय श्री ज्ञान देव जी पर विराजमान सभी आदरणीय गण, मत शक्ति, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे विद्वान गंगा जी को अपना जीवन समर्पित किए हुए, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, समय की मर्यादा है, उन सबको मैं आज याद करता हूं, उनके समर्पण को मैं प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों एवं भाइयों, दिल्ली के हाई कोर्ट के सामने एक विस्फोट होता है जिस 7 लोग मरे और 70 घायल होते हैं। पूरे देश में इसकी कई दिनों तक चर्चा होती है, नई नई कमेटियां बनती हैं, नई नई जांच एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं, और उसके बाद फिर कोई और एक विस्फोट हो जाता है और फिर हम एक नई जांच एजेंसी बिठा देते हैं। 7 लोग मरते हैं और 70 घायल होते हैं तो पूरे देश में तहलका मचता है, लेकिन कानपुर से लेकर इलाहाबाद नारस एवं आगे तक आपको मैं बताना चाहता हूं, हर मिनट गंगा जी के भीतर जो हमने प्रदूषण फैलाया है वो किसी बाहर की विदेशी सत्ता ने नहीं, जब जब हमारे देश पर आक्रमण होते हैं या कुछ भी होता है हम बाहर वालों को दोष देते हैं, इन्हीं बाहर ने नहीं बल्कि अपनों ने अपनी ही माँ को, अपनी ही गंगा दूषित किया है, और हम संकल्प लेते गंगा को प्रदूषण से मुक्त करेंगे। सच मानो तो गंगा दिव्य है, गंगा पवित्र है, हम उसे दिव्य या पवित्र नहीं बना सकते, हमें तो केवल इतना काम करना है जो गंगा में डाला जाता है हम सबके द्वारा, केवल हम उसको रोकें, काम बन जाएगा, गंगा स्वयं अपने को प्रदूषण मुक्त कर लेगी। केवल आप गंगा जी में प्रदूषण डालना बंद करें, लेकिन वो गंगा जिसको हमने इतना प्रदूषित किया, हर एक मिनट, हर 60 सेकंड में एक मौत होती है गंगा जी के जल में, जो प्रदूषण हमने फैलाया, इन तटों पर वाले लोग जब उसको पीते हैं वो, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, और कई बार गवर्नमेंट के आंकड़े काफी कम होते हैं ऐसा कहा जाता है, फिर भी अगर वो भी सही हैं, 10 लाख लोग एक साल में मर जाते हैं, 20 लोग बच्चे मरते हैं और शिकार होते हैं डायरिया, कॉलरा के, किडनी के, लीवर के, और अकाल ही मृत्यु के शिकार बनते हैं। 45 करोड़ लोग गंगा के तटों पर, गंगा के आसपास के इलाकों पर, गंगा बेसिन पर रहते हैं, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, गंगा के तटों पर 45 करोड़ लोग
कई देशों को मिलाकर यदि देखा जाए तो उनकी भी जनसंख्या इतनी नहीं है। बड़े बड़े यूरोप के 5 देश जिनका सिक्का चलता है पूरे विश्व में, उन 5 देशों को अगर मिला जाए तो भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से उनकी जनसंख्या कम है, और 45 करोड़ की तो बात ही क्या है। इतना बड़ा अपराध और किसी को कोई सजा नहीं, अमेजिंग। और हम लोग इसको चुपचाप सहन कर लेते हैं, हाल चाप होती मौतों को देख लेते हैं। इसके ऊपर अरुण जी विचार होना चाहिए। पिछले 100 साल के जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने, सभी तमाम स्टेट्स ने निर्णय दिए हैं, हमने उन सबको एकत्रित किया है, का निचोड़ निकाला है कुछ पन्नों में। अब एक केस तैयार किया जा रहा है जिसके लिए मैं अरुण कुमार जी को आह्वान करूंगा कि एक टीम के द्वारा उस पर भी अब हम लोगों को नोट लेने की जरूरत है कि पिछले 100 सालों में जो निर्णय हुए हैं बहुत अच्छे निर्णय हुए हैं, लेकिन एंड कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। एक निर्णय और आने की इस देश को जरूरत है। मैं भारत के प्रधानमंत्री को, उन्हें पता होगा लेकिन आज याद दिलाना चाहता हूं, किसी को शायद पता नहीं होगा, यमुना जी जो पहुंचती है वृंदावन में, ब्रज में, दिल्ली से निकल और दिल्ली में प्रवेश होने पर भी उसमें एक बूंद भी यमुना जी में यमुना का जल नहीं है। लोगों की शर्तों देखिए, लोटी भर कर ले जाते हैं आज भी लोग, और पूरे विश्व में ले जाते हैं कि यमुना जी का जल ले जा रहे हैं, उसमें यमुना का एक बूंद भी जल नहीं होता है। यमुना जाना में ही उनको तो वहीं रोक लिया जाता है। गंगा, सरिता विहार की गंगा, सरिता विहार कॉलोनिया जहां से शुरू होता है, गंगा जाती है टॉयलेट में और टॉयलेट वापिस आता है गंगा जी में। आज जो रिवर थी वो सीवर बनी, गंगा थी उसे हमें गटर बना दिया गया, यमुना थी उसने हमने गटर बना दिया गया। 30 साल और इतिहास में पढ़ेंगे हम सब लोग, गंगा एक नदी थी, सरस्वती को तो पढ़ते ही हैं। कहेंगे विदेशी लोग ही नहीं, अपने देश के लोग, गंगा एक गटर बन गई यहां का। आज की बात बता रहा हूं सवेरे की, बनारस के कोई भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे बच्चे जब गंगा जी में जाने की बात है, मामा इस वेरी पोल्यूटेड, एक तो हम गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे। आप सोचिए, गंगा जी की आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर और अन्य घाटों पर, जब नीचे आप देखते हैं तो गंदगी का अंबार लगा होता है। मैं चाहता हूं ज्यादा नहीं, अब समय आ गया है हम सब लोग खड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री को आज धन्यवाद देना चाहता हूं एक बात के लिए, उन्होंने गंगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। कब? हमारे प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जो अब जिन्होंने 75 वर्ष 76 वर्ष ब्रह्मचर्य जीवन, शादी, प्रोफेसर रहे IIT कानपुर में और फिर संन्यास लिया, अब ये बैठे हुए भूख हड़ताल पर दिल्ली में 38 दिन हो गए, कितने 38 दिन हो गए थे। तो मुझे भारत सरकार की ओर से फोन आया कि यदि इन्हें कुछ हो गया तो बड़ी समस्या होगी, कुछ करना चाहिए। मैं तुरंत ही दिल्ली आया, आपसे बात की, आपने कई शर्तें दी मुझे इन पर यदि कुछ होता है, और सबसे बड़ी शर्त है कि उत्तराखंड में जितने भी बांध बन रहे हैं, अपर उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक चाहिए। रात को 5:30 बजे मीटिंग शुरू हुई और रात 12:30 बजे तक भारत सरकार के साथ MC मेहता साहब, जो हमारे देश में पर्यावरण के बहुत बड़े वकील हैं, वो और हम दोनों और IIT के लोग बैठे, और भारत सरकार ने रात को 12:30 बजे माना कि ठीक है, कोई बांध वहां पर बनाया नहीं जाएगा। लंबी कथा है, निर्णय हुआ। उनसे रात को 1 बजे में मिला और उन्होंने कहा जब तक लोहारी नागपाला का निर्णय नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। मैंने समझाया, बातचीत हुई, निर्णय हुआ कि ठीक है अभी इतना ही सही और इसको रिवर बेसिन अथॉरिटी को दे दिया जाए। निर्णय हुआ और आज वहां पर बांध बंद हो गए। अब में पूरे बांध बंद हो गए। अब उन्होंने संकल्प लिया है कि अब जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का एरिया है, अलकनंदा और मंदाकिनी पर, वहां भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको सरकार कटिबद्ध है, संकल्प लिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज भारत के प्रधानमंत्री जी जब
इस मंच पर देश की ऐसी गरिमापूर्ण उपस्थिति है। मैं उन्हें पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में गंगा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, इस अधिसूचना को जारी किया। लेकिन बात नहीं होनी चाहिए जिस गंगा के तट पर रहने वाले लोग 10 लाख लोग मृत्यु का शिकार होते हों। समय आ गया है आज इस मंच की उपस्थिति में आज हम एक लो डिक्लेरेशन और एक सूचना जारी करें आप सबकी उपस्थिति में कि केवल अधिसूचना नहीं बल्कि आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में, इस विंटर सेशन में एक घोषणा होनी चाहिए, अधिसूचना नहीं, अध्यादेश लाया जाए, एक्ट बनाया जाए, रिवर गंगा रिवर बेसिन एक्ट बने, पूरी गंगा सिंह के लिए एक एक्ट अलग चाहिए और अपने आप ही सारी ट्रिब्यूटरीज जो उसमें आती हैं वो अपने समावेश हो जाएंगी। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये समय है, अंतिम बात ये जरूर कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, हम लोग तो अपना मान लेते हैं उसके लिए अपना जीवन कुर्बान देते हैं, ये हमारी धरती है। जिस कोई राखी बांध देता है कि वो धागे का एक टुकड़ा जिसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और उस बहन की इज्जत को बचा लेते हैं, जो मां हैं वो मां सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हमारे लिए अपना जीवन निछावर कर देती है। मां ने आज हमारे लिए सब कुछ कहा, लेकिन आज समय आ गया है हम मां के लिए, ये दुखद बात हमारे परिवारों में भी आ रही है, जो मां साथ साथ बच्चों का पालन पोषण करती है, वृद्धा होती है, उस सातों बच्चे मां को मिलकर भी नहीं देख पाते। और आज हमारी नहीं है, जिस मां ने सदियों तक केवल हिंदुओं को नहीं, इस मां ने श्यामलाल के खेतों को भी सींचा और सलीम मोहम्मद के खेतों को भी सींचा, कोई भेद गया। आज हम सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के गंगा केवल हिंदी है, गंगा सबकी है, तभी तो आज ये उपस्थिति है। मैं इस उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं, ये हिम्मत और ये हिम्मत कि काबिल एहतराम कल्बे सादिक साहब, मुझे फक्र है इस कौम के पास उलेमास हैं, क्योंकि मुझे याद है शांति यात्रा जब अयोध्या की घटना घटी, मुझे याद है उसके बाद की काफी सारी घटनाएं, कल्बे सादिक साहब से बहुत चर्चा होती रही है। ऐसे उले सबके बीच में हैं और ऐसे मौलाना हमारे बीच में हैं, वो जानते हैं गंगा एक की नहीं गंगा सबकी है, इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है, एक बात। दूसरी बात, मेरा घर मेरा है लेकिन मेरी गली मेरी नहीं हो पाती, अपनी दुकान में है, दुकान के 10 फुट का एरिया सारी गंदगी 10 फुट सफाई करके हम सड़क पर डाले हैं। आज समय आया है, घर तो मेरा है लेकिन मेरी गली भी मेरी बने और मेरी सड़क भी मेरी बने और फिर मेरा देश मेरा बने, मेरी गंगा मेरा देश, इस संकल्प के साथ हम लोग जुड़े तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इसके लिए आइए, मैं सबका आह्वान करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस सत्र में इस अध्यादेश को लाया जाए और गंगा जी की इस गरिमा को, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए मैं समझता हूं उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। धन्यवाद।